आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सभी मंत्रियों को विभाग मिल गए हैं। सीएम सुक्खू वित्त, गृह, योजना, क्रामिक विभाग देखेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जल शक्ति, परिवहन, भाषा एवं संस्कृति विभाग देखेंगे। चंद्र कुमार कृषि और पशुपालन, हर्षवर्धन चौहान को उद्योग, आयुष और संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। जगत सिंह नेगी को राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास, रोहित ठाकुर को शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, अनिल सिंह को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग सौंप दिया, जबकि विक्रमादित्य सिंह को पीडब्ल्यूडी और खेल विभाग का जिम्मा दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सभी मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिए गए हैं। मंत्री खुद अब अपने अपने विभागों को रिव्यू करेंगे। उधर शिक्षा मंत्री व ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। पूजा पाठ के बाद मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है। मंत्रियों ने कहा जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर रिव्यू किया। देखिए सभी मंत्री अपने अपने विभाग का खुद रिव्यू कर रहे हैं। सब मंत्री जानते हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। कोई टारगेट नहीं दिया गया, वो अपने मंत्रालय को खुद चलाएंगे और दृष्टिकोण स्पष्ट है। आम आदमी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारा कार्य पहुंचे, इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। और सभी मंत्री चाहते हैं ना, समय तो चाहिए, 3-4 साल चाहिए होता है जब उसके परिणाम आने हैं, तो आप 3-4 साल बाद परिणाम सुगत देखेंगे। तो अभी तो हुआ है ना कैबिनेट विस्तार, अभी आगे भी होगा। हिमाचल प्रदेश ने अगर आप देखेंगे 1947 के बाद बहुत निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत, मैं समझता हूँ, अच्छा नाम कमाया है। आपने केरला का उदाहरण आप हमारे समक्ष रखा, आज चाहे गोवा की बात हो, केरला की बात हो, हिमाचल प्रदेश की बात हो, सर्वाधिक जो साक्षरता लिटरेसी रेट है वो इन 3 स्टेटों में है, लेकिन बेहतर करने की हमेशा गुंजाइश होती है। आज आवश्यकता है कि क्वालिटेटिव एजुकेशन, गुणवत्ता वाली एजुकेशन मिले, जॉब बेस्ड एजुकेशन मिले। हमारा शिक्षा विभाग ट्रांसफर महकमा ना रहे, ये मेरा प्रयास रहेगा। कंट्रीब्यूशन एक, मैं समझता हूँ, सार्थक रहे, सकारात्मक रहे, इसके निरंतर प्रयास रहेंगे। अभी तो मात्र कुछ घंटे हुए हैं, शीघ्र मैं अपने डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग लूंगा और जो भी मैं समझता हूँ प्रदेश के शिक्षा विभाग के हित में फैसले लेने पड़ेंगे वो मुख्यमंत्री के आदेश से, उनके, मैं समझता हूँ, आशीर्वाद से लिए जाएंगे। तो इस तरह प्रारंभिक बातें हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, भी बधाई वाली आप बात रखें ना जी, बाकी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मेरा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि बहुत सी पोस्टें खाली है वहां पर, विशेषकर जो हमारे दुर्गम हार्ड एरिया है, उसके लिए अलग से नीति आए, ये मेरे प्रयास रहेंगे। और मैं समझता हूँ एक अच्छी सोच के साथ हमारा विभाग आगे बढ़े, उसके लिए प्रयास होंगे। धन्यवाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने मुझे इतना महत्वपूर्ण विभाग जो दिया, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज, इसी से हम उत्पन्न हुए हैं। पहला मेरा 2005 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, तब से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं। और मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा फंडिंग जो है ग्रामीण क्षेत्र में डायरेक्ट सेंटर से जो है वो होती है, और बहुत बड़ा विभाग है, काम करने के लिए बहुत है, और अपनी जिम्मेदारी जो है ईमानदारी और निष्ठा से हम लोग पूरी निभाएंगे। इस क्षेत्र में जो कमियां रह गई है वो कैसे देखते हैं आप उनको, और उसमें आगे क्या सुधार की गुंजाइश? देखिए प्रदेश में आज सबसे ज्यादा कमी जिसको बोल सकते हैं, भाजपा सरकार द्वारा, पिछली सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपए जो कर्ज छोड़ के गए हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। पर ग्रामीण क्षेत्र की, रूरल डेवलपमेंट की मैं बात करूंगा, इसमें जो है फंडिंग डायरेक्ट है, फॉरेन फंडिंग्स भी इसमें शामिल होती है, लोग प्रोजेक्ट जो है बाहर से लेके आएंगे और जनहित के कार्य में, तो बहुत, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, जिसने काम करना है उसके लिए कोई कमी नहीं है, मैं समझता हूँ। देखिए जो फंड स्टेट के फंड्स हैं वो कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे सरकारें जो हमसे मर्जी हो, पहले भी सेंटर में कांग्रेस की सरकारें रही हैं और प्रदेश में भाजपा की सरकारें रही हैं और वाइस वर्सा है। आज जो है चाहे हम राजस्थान है या छत्तीसगढ़ है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है केंद्र में और हिमाचल में है, और केंद्र में जो है भाजपा सरकार है, तो ऐसा नहीं है, कई चीजों में जरूर रुकावट उत्पन्न होती है, पर हम इसको तालमेल के साथ जो है, मैं समझता हूँ सेंटर के तालमेल के साथ हम लोग इसको, इस पे खरा उतरेंगे।